हेलो स्टूडेंट, मुरुदेव दापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अपना जो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, उसमें मैं आज आपको नया टॉपिक अपना डेट फंक्शन। आज मैं आपको डेट फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि जो आपके लाइब्रेरी प्रकार के जो डेट फंक्शन है वो कौन कौन से होते हैं और उनका यूज किस प्रकार से फॉक्सटर में किया जाता है, उनका सिंटैक्स क्या होता है और उनको यूज किस प्रकार से अपने करते हैं, डेट फंक्शन को यानी लाइब्रेरी डेट फंक्शन को किस प्रकार से काम में लेंगे। तो आज अपने ये छह प्रकार के फंक्शन देखेंगे। पहला है आपका डेट, दूसरा डेट टाइम, तीसरा है डे, चौथा है डो, पांचवा है सी डो, छह नंबर पे है आपका मंथ। तो आज अपने ये छह फंक्शन देखेंगे और इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें आपको मैं और फंक्शन बताऊंगा डे फंक्शन जो आपके कोर्स के हिसाब से है। तो अपन शुरू करते हैं। पहला है आपका डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या है? देखिए स्टूडेंट, डेट फंक्शन का यूज आप करंट डेट यानी जो सिस्टम पे जो भी करंट डेट आपकी चल रही है उसको दिखाता है। इसका जो फॉर्मेट होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है MMDDYY। आप चाहो तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको सेट कमांड, तो आप सेट डेट फंक्शन का यूज करके आप इसको अपने हिसाब से बदल सकते हो। जो मैं बताया था आपको जो सेट कमांड क्या करता है, सेट कमांड यूजर के द्वारा आप अपने वातावरण को फॉक्सटर में बदल सकते हैं। तो सेट कमांड से, तो आप सेट कमांड से क्या कर सकते हो, आप इसके फॉर्मेट को भी बदल लोगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, MMDDYY होता है। तो अपने शुरू करते हैं। पहला है डेट। इसका जो सिंटेक्स ऐसा होगा आपका, इसका सिंटेक्स सिंपल सा ही होगा, डेट ब्रैकेट शुरू होगा और बंद होगा। अगर आपको करंट डेट देखनी है तो आप क्या करोगे, डेट। अगर मान मैं लिखता हूं ये प्रिंट डेट, तो क्या होगा, ये आज की डेट बताएगा। मतलब आज की डेट यानी ये जरूरी नहीं कि डेट आज की हो सकता है कि आपके सिस्टम पे डेट पुरानी चल रही हो। तो मतलब जो आपके सिस्टम पे जो भी करंट डेट चल रही है वो डेट आपको ये शो कर देगा। तो आज जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया प्रिंट डेट, तो आज का आउटपुट क्या आएगा इसका, इसका आएगा जैसे 05 month 27 21। तो आप ये आंसर आपको मिलेगा इससे। अगर आप चाहते हो कि आपका जो फॉर्मेट क्या हो, चेंज हो, DDMMYY में आए, तब आप क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा प्रिंट डेट से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेट, मैं कहता हूं सेट कमांड यूज करना पड़ेगा आपको। तो आप लिखोगे सेट डेट टू, कैसा करना है आपको, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो ब्रिटिश लिख सकते हो, आप चाहो तो आपका जो तरीका है DDMMYY आप ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहां सीधे लिख सकते हो सेट डेट टू ब्रिटिश, तो भी क्या हो जाएगा वो ब्रिटिश के हिसाब से आपका डेट क्या हो जाएगी, सेट होकर आ जाएगी। ब्रिटिश में डेट में जो कैसा होता है आपका DDMMYY फॉर्मेट में होता है, तो वैसा आ जाएगा। आप चाहो तो इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो। ये लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट डेट करता हूं तो क्या बताएगा, अभी बताएगा आपको 27 05 21। अगर आप चाहते हो कि ईयर आपका क्या है, चार अक्षर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेट कमांड आप इससे पहले क्या लिख सकते हो, सेट सेंचुरी ऑन, तो क्या करेगा आपको ये बता देगा। इस प्रकार से अगर आप यहां लिखते हो सेट सेंचुरी ऑन करते हो तो क्या बताएगा, 2021, इस प्रकार से आपको ये दिखा देगा। तो ये आपका था डेट कमांड। अब इसके बाद में जो दूसरी आपकी कमांड है वो आपके डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या करता है कि ये कमांड आपके करंट जो सिस्टम का जो करंट डेट है और टाइम है वो दिखाता है, आपके सिस्टम का जो करंट डेट और टाइम दोनों दिखाएगा ये डेट एंड टाइम कमांड। आप चाहो तो उसको बदल सकते हो, डेट तो आपका ये रहेगा और टाइम भी आपका क्या रहेगा, टाइम भी आपका आवर्स
मिनट और सेकंड के हिसाब से आएगा। तो कैसे इसको जो सिंटेक्स कैसा होगा आपका, आप लिखोगे डेट टाइम, ये सिंपल सा इसका सिंटेक्स है, जो करंट डेट टाइम लिखना है। तो अगर आपको पहले डेट लिखनी है तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। तो आपने क्या लिखा, डेट टाइम लिखा। अब क्या होगा, जो आपका जो करंट डेट है और जो टाइम है आपको दिखा देगा। जैसे आप जो आंसर कर देगा 05/27/21, ये हो गया। अब हो सकता है कि समय कितना हो, जैसे 07:40:21, तो आपको इस प्रकार से ये दिखा देगा। आप चाहो मुझे, मैं बताया भी आपको कि आपका डे पहले है तो आपको क्या करना है, सेट आपको क्या है, सेट डेट टू ब्रिटिश आप कर दोगे या सेट डेट टू DDMMYY आप लिख दोगे, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा। तो ये आपका था डेट टाइम फंक्शन। दूसरा फंक्शन है अपना डे। जो ये डे फंक्शन है वो केवल आपके सप्ताह के, सॉरी केवल दिनांक को दिखाता है, केवल दिन को दिखाता है। जैसे मान लीजिए इसका सेंटेंस कैसा होगा आपका, इसका सेंटेंस होगा जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं डे, इसमें क्या आएगा डेट, इसमें इसके ब्रैकेट में डेट फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा, तभी क्या करेगा ये करंट डेट को बताएगा। तो मैंने क्या लिखा डे और मैंने क्या लिखा डेट लिख दिया, तो क्या बताएगा अब ये आज की तारीख। यानी अगर मैं लिखता हूं प्रिंट डे डेट, तो क्या बताएगा इसे तारीख कितनी है 27, तो क्या दिखाएगा केवल 27 दिखाएगा कि आज की तारीख कितनी है, मतलब आज का दिन कितना है उसकी तारीख को आपको दिखाएगा, ना तो मंथ दिखाएगा और ना ईयर दिखाएगा, केवल दिन को दिखाएगा, डे को दिखाएगा। तो ये फंक्शन है आपका डे। आपका जो फोर नंबर पर है डो फंक्शन, ये क्या करेगा, ये फंक्शन सप्ताह के जो दिन है उनको नंबर में दिखाएगा। क्या दिखाएगा, सप्ताह के दिनों को नंबर में दिखाएगा। जैसे इसका सिंटेक्स ऐसा होगा आपका, जैसे मैं लिखता हूं डो और अंदर आपको डेट लिखना पड़ेगा, डेट फंक्शन, तो क्या बताएगा ये, इसका जो एग्जांपल कैसा होगा प्रिंट डो डेट, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा जैसे आज क्या है, आज गुरुवार है, तो यानी सोम सॉरी संडे मंडे ट्यूजडे यानी रवि सोम मंगल बुध गुरु, आज यानी आप दिखाएगा आपको 5, यानी आज सप्ताह का 5वां दिन है, तो आपको ये दिखाएगा 5। तो ये क्या दिखाता है, सप्ताह के दिन को केवल नंबर में दिखाता है कि ये सप्ताह का कौन सा दिन चल रहा है, वो दिखाएगा आपका डो फंक्शन। अब इसके बाद में आता है सीडो। सीडो क्या करता है, ये जो फंक्शन है ये सप्ताह के दिन को करेक्टर में यानी शब्द में प्रिंट करके दिखाता है। क्या दिखाएगा, शब्द में प्रिंट करके दिखाएगा, जैसे आज ट्यूसडे है तो क्या दिखाएगा, ये ट्यूसडे दिखाएगा। इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे लिखते हैं अपने जो सिंटैक्स ऐसा होगा इसका सीडो, अंदर वही डेट फंक्शन जो सिंटैक्स हो गया इसका, और एग्जांपल जैसे अपने करते हैं, तो मैंने कहा प्रिंट सीडो डेट, तो क्या दिखाएगा ये दिखाएगा ट्यूसडे। क्या दिखाएगा ट्यूसडे, क्या ये दिखाएगा। अब इसके बाद में आपका आता है 6 नंबर पे मंथ। मंथ क्या करेगा, मंथ आपके केवल जिस प्रकार से आपका डे था वो आपको केवल दिन दिखाता था, ये आपको केवल मंथ दिखाएगा। कैसे दिखाएगा,
तो सिंटेक्स कैसा होगा आपका, मंथ, अभी क्या लिखा मंथ और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा डेट, ये तो आपका सिंटेक्स हो गया। यूज करना है तो आप लिखा पेंट मंथ डेट, तो आज क्या दिखाएगा, आज क्या है आपका जो मंथ कौन सा चल रहा है मई, यानी 05 आपको क्या दिखाएगा 05 मई मंथ चल रहा है आपका। तो आपको क्या है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो आपको ये मई मतलब आपको इस रूप में दिखाएगा कि आपका कौन सा महीना चल रहा है साल का, ये आपको दिखाता है। तो आपका आज का जो टॉपिक था इसमें मैंने आपको बताया लाइब्रेरी डेट फंक्शन, जो आपके डेट फंक्शन आपको और भी है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही, इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।